हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लो लाइट्स प्लांट की। ये वो प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट की बिल्कुल नीड नहीं होती है और इनको ब्राइट लाइट की भी नीड नहीं होती है। ये लो लाइट प्लेसेस पे भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ये बोस्टन फर्न। ये बहुत सुंदर सा हैंगिंग बास्केट में आप इसे लगाइए या फिर आप इसे पॉट में लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे डार्क में भी रखेंगे, आप इसे अपने बेडरूम में रखेंगे, तब भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि इसे मॉइस्चर पसंद है, तो आप इसकी लीव्स पे दिन में एक बार कभी भी आप इस पे इस पानी का स्प्रे कर दीजिए और आप इसको ज़्यादा पानी मत दीजिए। इसको पानी आप तभी दीजिए जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए, वरना ज़्यादा पानी भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी होने से इस प्लांट की जड़ें सड़ने लगती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो ये ब्यूटीफुल सा सेंसेवेरिया है। आप इसकी कोई भी वैरायटी लगाइए और आप इसे घर में कहीं भी लगाइए, इवन आप इसे बाथरूम में भी लगाइए, आप इसे कहीं भी जहाँ पर बहुत कम लाइट आती है वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ये एक लो मेंटेनेंस और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वाला प्लांट है। आपके घर में लाइट्स की कंडीशन कोई भी हो, कैसी भी हो, ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसे वाटर की भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। इसे आप वीक में एक बार वाटर दीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये अपने बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करते रहता है नीचे से। अगर आपने मेरा नेचुरल एयर प्योरीफायर का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत अच्छा प्लांट है लो लाइट कंडीशन के लिए। और नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो ये ब्यूटीफुल सा एग्लोनिमा है। इसे चाइनीज एवरग्रीन भी कहते हैं। इस प्लांट को देखिए फ्रेंड, मैंने इंडोर अपने गेस्ट रूम में रख रखा है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, बस इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट बनी रहे। और इसे भी बोस्टन फर्न के जैसे ही मॉइस्चर अपने आसपास पसंद है, इसलिए आप इसकी पत्तियों को भी पानी से एक बार दिन में स्प्रे कर दिया करिए। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट के जैसा ही दिखता है। आप इसे कहीं भी लगाइए, मैंने इसे गेस्ट रूम में लगा रखा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी जल्दी ग्रो करता है। इसे मैंने 2 महीने पहले ही लगाया है और देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे इस गमले को पूरा कवर कर लेगा। आप इस प्लांट को नीचे से अलग करके कई सारे गमलों में लगा सकते हैं और कई सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है डेफनबेकिया। इस डेफनबेकिया को भी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे बाथरूम में भी रख सकते हैं जहाँ पर हमारे घर की सबसे कम लाइट होती है। ये प्लांट आपके बेडरूम में, गेस्ट रूम में, कहीं भी किसी भी कॉर्नर को हाइट देने के लिए बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव प्लांट है। इस प्लांट की बस इतनी सी केयर है कि इसको पानी पसंद है पर बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसकी आप इसे पानी दीजिए जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए, पर इतना पानी मत दीजिए कि मिट्टी दलदली हो जाए। और फ्रेंड्स, आप इन सारे इंडोर प्लांट्स को 2 महीने में एक बार खाद दीजिए। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद जो आपको अवेलेबल हो वो आप इन्हें दीजिए। ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये डेफनबेकिया बच्चों और जानवरों के लिए बहुत ख़तरनाक पौधा है, तो इसे आप बच्चों और जानवरों से दूर रखिए। नेक्स्ट प्लांट हमारी लिस्ट में जो है वो ब्यूटीफुल सा पॉथोस है, जिसे मनी प्लांट भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अपने DIY बॉटल में लगा रखा है। इसे मैंने 1 वीक पहले ही लगाया है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप कहीं भी और कैसे भी लगाइए, कैसे भी रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इट मीन्स कि आप इसे वाटर में लगाइए, पॉट में लगाइए, आप इसे कहीं भी लगाइए और आप इसे लिड एरिया में रखिए, ब्राइट लिड एरिया में रखिए या फिर आप इसे डार्क एरिया में रखिए, ये तब भी सर्वाइव करता है। मनी प्लांट एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है।
देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने यहाँ पर पॉट में लगाया है, इसे मैंने अपने पोर्च में रखा है जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती है और मॉर्निंग में सनलाइट भी आती है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे मॉस्टिक में लगाया है और इसकी पत्तियों का साइज़ काफ़ी बड़ा होने लगा है। ये थे कुछ लो मेंटेनेंस प्लांट। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।